जय उत्तराखंड। आप सभी का नेपाल वन के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट के एक फैसले में पहाड़ों में सेवा न देने में आनाकानी करने पर जो सख्ती दिखाई गई है, और हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि हाल ही में जिन चिकित्सकों ने छूट लेकर डॉक्टरी पढ़ाई की है, पहाड़ में सेवा न देने की स्थिति में उन्हें फीस में मिली छूट ब्याज के साथ वापस करनी होगी। पहाड़ों के हालात को देखते हुए वहां चिकित्सकों की हमेशा कमी बताई जाती रही है, और शायद सरकार को इसलिए ये हाई कोर्ट में एक रिट लगानी पड़ी। लेकिन देखने में यह भी आता है कि चिकित्सक नौकरी पाने के बाद पहाड़ों में जाने के बजाय प्लेन में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में न्यायालय का ताजा आदेश उन्हें आगाह कर रहा है कि अब आपको पहाड़ पे जाना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों पर आज की चर्चा को खास बनाएंगे। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। राज्य के बड़े शहरों से लेकर दूरस्थ क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। चिकित्सकों की कमी की वजह से पब्लिक को महंगी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए मैदानी क्षेत्रों में निजी अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। सरकार व पब्लिक की इस मजबूरी का फायदा उठाकर निजी चिकित्सालय खूब फल फूल रहे हैं। दरअसल राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने 9 नवंबर 2009 को एक अहम निर्णय लिया था, जिसके तहत MBBS की ऑल इंडिया कोटे की 15% सीटों में दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों को विकल्प दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि पहाड़ में 5 साल सेवा के इच्छुक अभ्यर्थियों को सालाना 2,20,000 के स्थान पर मात्र 15,000 शुल्क दिया होगा। फिर 23 मई 2013 को सरकार ने सब्सिडाइज शुल्क को 15,000 से बढ़ाकर 40,000 व बिना सब्सिडी के शुल्क को 2,20,000 से बढ़ाकर 4 लाख रूपए कर दिया था। इन चिकित्सकों का कहना था कि उनका चयन ऑल इंडिया कोटे के तहत हुआ है, लिहाजा सरकार उन पर कोई शर्त नहीं थोप सकती। उन्होंने एकल पीठ में याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट के 2001 के महाराष्ट्र के आनंद एच से संबंधित केस में दिए गए फैसले को आधार बनाया था। एकल पीठ ने सरकार की बॉन्ड व्यवस्था को निरस्त कर दिया था। बुधवार को बॉन्ड धारक चिकित्सकों को पहाड़ भेजने के मामले में विशेष अपील पर सुनवाई में सरकार की ओर से बहस करते हुए CSC परेश त्रिपाठी ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहाँ के केस में प्रभावी नहीं है। यहाँ सरकार ने जबरन शर्त नहीं थोपी थी, बल्कि इन अभ्यर्थियों ने इच्छा अनुसार सब्सिडी रेट पर MBBS का विकल्प चुना था। कोर्ट के ताजा आदेश के बाद राज्य के दुर्गम क्षेत्र के अस्पतालों में चिकित्सकों की तैनाती का रास्ता खुल गया है। कोर्ट ने सरकार की दलील को सही ठहराते हुए चिकित्सकों को साफ संदेश दिया है कि यदि उन्होंने सब्सिडी का फायदा लिया है तो अनुबंध का अनुपालन करना ही होगा, अन्यथा ब्याज सहित पैसे लौटाएं। और इसी खास चर्चा में आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। वेद विलास उनियाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे। प्रदीप कुकरेति जी हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं। प्रभाकर उनियाल जी हैं, आप भाजपा के प्रवक्ता हैं। और किरण उल्फत गोयल जी हैं हमारे बीच में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दा पहाड़ से संबंधित है और डॉक्टर स्वास्थ्य जो सबसे एक महत्वपूर्ण अंग है, और शायद कहें तो धरती पर दूसरा भगवान उसको कहा जाता है। तो मैं आऊँगा प्रदीप भाई, क्योंकि आप पूरे आंदोलन से जुड़े हुए रहे हैं हमेशा, और उत्तराखंड को बनाने में एक विशेष योगदान आप लोगों का रहा है। पहाड़ों पर डॉक्टरों की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए गोस्वामी जी, जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर जो गठन हुआ और प्रदेश के गठन से पूर्व जी अगर हम देखें तो पहले केवल जो फार्मासिस्ट होते थे उनके ऊपर अधिकतर निर्भरता रहा करती थी, विशेषकर पहाड़ों में जी। और ऐसा ही नहीं, जो तराई के जो क्षेत्र हैं और जो ग्रामीण जो एरिया पड़ते हैं, जो थोड़ा सा रिमोट एरिया जिसको मैं कह सकता हूँ, उसमें भी कई जगह कंपाउंडिंग वाला सिस्टम जारी था जी। तो लेकिन अब धीरे धीरे जब आबादी बढ़ रही है, खान पान बदलता जा रहा है, सब चीजें होती जा रही है, तो बीमारियां भी घर करती चली जा रही है जी, बिल्कुल। उसको लेके जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेज की फैसिलिटी को लेकर माननीय खंडूरी जी सरकार ने जिस प्रकार से एक अहम कदम उठाया था, तो वो निश्चित रूप में एक स्वागत योग्य कदम था और होना भी चाहिए कि इस प्रकार की कुछ कैटेगरी उन्होंने बनाई थी। तो उसमें दुर्भाग्य ये होता है कि आप अपने जो है बात से मुकर जाते हैं। अभी ये जो है लगातार ये कहीं ना कहीं हमारी जो है प्रशासनिक लचर क्षमता, इसको मैं कहूंगा कि आखिर क्या कारण है कि हम इतने सालों से उसको इंप्लीमेंट नहीं करा पाए।
या ऐसे कौन से छात्र हैं, आप इसके लिए कौन सा पैमाना तय किया जाए कि वाकई में ये जो है विद्यार्थी जो है पूरी डॉक्टरी करके ये अपनी जगह पे नियति स्थान पे जाएगा और ये नहीं जाएगा? इसके दो पहलू हैं, डॉक्टर्स रहते हैं वही जाने को तैयार नहीं। उसके दो पहलू हैं सर, उसके दो पहलू ये हैं कि क्योंकि जब आदमी ने शिक्षा पूरी कर ली तो नेचुरल है कि जब उसने जो तीसरे और पांच साल के बीच में जो एक अप्रेंटिसशिप जिसको हम कहते हैं वो जब डॉक्टरों के दायरे में आता है तो निश्चित रूप से वो जब डायलॉग डिलीवरी जब होता है देखता है तो वो ये देख रहा है कि राजकीय चिकित्सक भी अपने गंतव्य स्थान तक नहीं जा रहे ट्रांसफर के, वो रोज समाचार पढ़ रहा है देख रहा है। और उससे बड़ा फैक्टर क्या है कि हमारे जनप्रतिनिधि खुद पलायन कर रहे हैं। उससे बड़ा फैक्टर क्या है कि पहले और अब में मैं बता रहा हूं कि इतना अंतर आ गया है, हर व्यक्ति को अपनी सुविधाएं चाहिए जी बिल्कुल, अगर तो डॉक्टर के ऊपर तो दैट इज द मेन फैक्टर। वेदविलास जी, क्योंकि आप पत्रकार भी और पत्रकारों की दृष्टि में सारी चीजें आप पूरे हमेशा लिखते भी रहे इन चीजों पे, अगर कोई डॉक्टर हम चाहते हैं कि वो इंटीरियर सुदृढ़ इलाकों में जाए तो कहीं ना कहीं उसको भी कुछ सुविधाएं चाहिए होती हैं और इसी सब कश्मकश में डॉक्टर्स ऊपर जा नहीं पाते हैं। इसका भी एक, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं जैसी वो प्लेन में देख रहा है वैसी शायद वो पहाड़ पे अपने लिए नहीं देख पाता, तो इस वजह से भी डॉक्टर्स ऊपर जाने से कतराते हैं जी। हाँ देखिए, अभी जब आपदा आई थी 2013 में जी, तो एक ऊपर कहीं हमें एक डॉक्टर मिले थे तो वो रोज ऋषिकेश आते थे जी, अपने जहाँ काम करते थे। उसकी वजह यह थी कि मेरे बच्चे वहाँ नहीं रह सकते जहाँ मैं रह रहा हूँ जी। ये बात ठीक है, बुनियादी सुविधाएं उन्हें भी चाहिए और अगर वो डॉक्टर बने हैं तो अब बेहतर शिक्षा से ही डॉक्टर बने हैं तो अपने बच्चों को भी एक अच्छी शिक्षा चाहेंगे। लेकिन एक चीज ये देखनी होगी, एक तो जैसे प्रदीप जी ने अभी कहा कि आंदोलन का जो है, हमारे आंदोलन का बेस क्या था, हमारे आंदोलन का यही तो कारण था कि हमारे उत्तराखंड में शिक्षा नहीं थी, चिकित्सा नहीं थी और ये मेन मुद्दा था। मेन मुद्दा यही था कि भाई हम पलायन आखिर क्यों कर रहे हैं, तो हमें इन चीजों पर ध्यान देने का हमारा सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए थी। और स्वास्थ्य एक अहम, उसमें स्वास्थ्य अहम चीज है। तो अब आप ये देखिए कि मुझे कुछ आंशिक हद तक उनकी ये बात ठीक लगती है डॉक्टरों की, लेकिन पूरी नहीं। अगर कल सैनिक सोचेगा कि भाई मेरे लिए ऐसा क्यों है, मैं तो सीमा में रहता हूँ, मेरे साथ ये सुविधाएं नहीं है, मेरे वो अपने कहेगा मुझे तो अपने बच्चे साथ ले जाने हैं, उनकी याद आती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इन चीजों पे हमें कोई ऐसा सामंजस्य करना पड़ेगा अपनी सर्विस के साथ। हर 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 पेशा ये करता है। आप देखिए जो पलायन कर रहे हैं, क्या सबके पलायन करने वाले बच्चे क्या साथ रहते हैं, किसी के बच्चे कहीं रह रहे हैं, किसी का कोई, हर हर की जिंदगी में कहीं ना कहीं इस तरह की विषमताएं आती हैं, इस तरह की दिक्कतें आती हैं। बात जैसे अभी आपने कहा कि डॉक्टरी सेवा एक अलग सेवा है, हमको ये मानना पड़ेगा कि पहाड़ कोई ऐसा नहीं कि पहाड़ कोई बहुत भयानक स्थिति हो, आखिर वहां इंसान रह रहा है बिल्कुल, और भाई वहां पे उससे ज्यादा अगर देखा जाए तो बहुत एक अच्छी स्थिति है, लोग तो स्वच्छ वातावरण आपको वहां मिल, लोग तो कहते हैं कि बाहर खराब है हमें तो पहाड़ बुलाइए जी। लेकिन तो फिर ऐसा क्या है डॉक्टरों के लिए कि हमें जाना ही नहीं है? केवल डॉक्टर ही नहीं, कई तरह की सर्विस में देखने में आ रहा है कि लोग, शिक्षा में यह है कि लोगों ने एक मानसिकता बना ली है कि भाई मुझे नहीं जाना है बिल्कुल। किरण जी आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप सारी चीजों को देखते हैं, डॉक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है सभी चीज की, अगर हम पहाड़ की बात करें तो स्वास्थ्य की जो आज की तारीख में स्थिति है वहां पे भी गंभीर गंभीर बीमारियां आ रही हैं और हमारे डॉक्टर कहीं ना कहीं जो अपनी एक उसकी मौलिक जिम्मेदारी जिसे हम कहेंगे उसकी, उससे बचता है, वो ऊपर जाने से तो बिल्कुल ऐसे कतरा रहे हैं कि जैसे पहाड़ पे इंसान नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है, अगर मेरे वहां मुझे फैसिलिटी नहीं मिली तो शायद मैं कार्य नहीं कर पाऊंगा। मैं सोचती हूँ कि स्वास्थ्य बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ में बिल्कुल, और इसमें डेडिकेशन तो है ही, लेकिन एक छोटी सी चीज को ये ध्यान रखना चाहिए, जैसे अभी सर ने बोला कि फौजी को जब हम बॉर्डर पे भेजते हैं तो उसका परिवार सुरक्षित होता है जी बिल्कुल, एंड आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग कि प्लानिंग अगर अच्छे से हो रही है किसी भी चीज की जी, तो डॉक्टर्स भी जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा उनको मोटिवेट तो करना पड़ेगा। और मैं सोचती हूँ प्लानिंग नहीं हो रही है, बहुत टाइम से सुन रहे हैं जी। जैसे पहले सुना जाता था कि मेडिकल करने के बाद एक साल आपको ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ आपको त्याग और तपस्या का एक रूप दिखाना है जी। लेकिन त्याग और तपस्या आजकल दिखने रही है नहीं, मोटिवेट नहीं हो पा रहे डॉक्टर,
डॉक्टर्स जितने हैं, और ऐसा नहीं है सभी एक ही जैसे हैं, लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ प्लानिंग से अगर किया जाए, सुविधाएं भी दी जाएं, तो वो अवश्य जाएंगे। और यंग जो डॉक्टर्स हैं उन्हें तो एक बिल्कुल कॉन्फिडेंस के संग ऊपर जाना चाहिए और सेवा भी करनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं प्रभाकर उनियाल जी, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी, और जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री और सरकार ताबड़तोड़ ऐसे ऐसे निर्णय ले रहे हैं कि इस टाइम चारों ओर हलचल मची हुई है, और अभी चाहे वो बेनामी संपत्ति की बात हो, चाहे वो एकदम लापरवाह अधिकारियों को बाहर रास्ता दिखाने की बात हो, और अब ये हाई कोर्ट से एक निर्णय एकदम सरकार के फेवर में हम मानेंगे, कैसे देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? देखिए गोस्वामी जी, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना ये है कि राज्य का प्रत्येक नागरिक को एक आवश्यक जीवन स्तर प्राप्त हो जी। और जहाँ तक डॉक्टरों की बात है, दो तीन बातें बड़ी स्पष्ट हैं। डॉक्टरों को जो भेजा जाता है वो प्रारंभ PHC में भेजा जाता है, जो ब्लॉक स्तर के या उसके आसपास के जो चिकित्सालय हैं वहाँ पर भेजा जाता है। वहाँ पर PHC में भवन होता है, डॉक्टरों का निवास स्थान होता है, और जो आसपास रहने वाले ग्रामीण हैं उनकी अपेक्षा वहाँ पर सुविधाएं भी निश्चित रूप से अधिक होती है। जैसे वेद बिलास उनियाल जी ने कहा कि मानसिकता का प्रश्न है, उन्होंने मानसिकता ही बना ली कि हमें नहीं जाना है, और जब नहीं जाना है तो भांति भांति के बहाने ढूंढने हैं। जैसे MBBS का ये जो प्रकरण है, MBBS डॉक्टर का है, एंट्री लेवल है ये कोई विशेषज्ञ का या MS का या MD का नहीं है मामला, कि भाई उनको वहां पर सुविधाएं नहीं मिलेगी, औजार नहीं मिलेगा तो क्या करेगा। वास्तव में ये एंट्री लेवल की बात हो रही है। एंट्री लेवल पे आपने सहमति दी है, आपको सुविधा मिली है, सरकार ने आप पर पैसा खर्च किया है, और पैसा खर्च इसलिए किया है कि आपको एक दायित्व, सामाजिक दायित्व पूरा करना है। उस दायित्व पूरा करने के स्थान पर जब आपकी बारी आई पूरा करने की, तो सुविधाएं लेने में तो आप आगे आ गए, और वैसे पीठ दिखा, और जब आपको दायित्व पूरा करना था तो आप पीठ दिखा रहे हो, आप धोखा कर रहे हो। ये धोखाधड़ी है समाज के साथ, राज्य के साथ, और आपके जो आपने शपथ लेते हैं उस शपथ के साथ भी धोखा है कि आप के लोगों के प्राणों को बचाएंगे, आप उनको स्वास्थ्य की सुविधा देंगे, उसके साथ भी धोखा है। और सरकार को न्यायालय जाना पड़ा, न्यायालय की शरण में जाना पड़ा, जब आप नहीं मान रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। सुविधाएं सरकार आपको कोई और सुविधाएं चाहिए तो दीजिए। मैं एक बात और कहूंगा गोस्वामी जी, संयोग की बात है, मैं स्टेट बैंक में काम करता रहा, कभी किसी ने नहीं सुना कि स्टेट बैंक के अधिकारी सड़क पर आए हो, ये शिकायत मिली हो। नियम है, नीति बनी हुई है कि वो 2 साल पहाड़ पर 2 साल रहेंगे, उसके बाद 5 साल यहाँ रहेंगे, और उसको कोई समझौता किसी के साथ नहीं है, ना यूनियन बीच में बोलती है, ना मैनेजमेंट बीच में बोलता है, ये प्रक्रिया चली हुई है। पीछे जो सरकारें थी वो सरकारों ने इस मामले में स्पष्ट नीति नहीं अपनाई, पारदर्शितापूर्ण नीति नहीं अपनाई, और थोड़ा भाई भतीजावाद करने की जो कोशिश की वो थोड़ा विश्वसनीय था। उसका यह है कि सरकार पर भी विश्वास पूरा होना चाहिए, सरकार जो नीति बनाती है वो दृढ़ता पूर्वक लागू करे, और ये सरकार ये काम कर रही है, केंद्र में भी और राज्य में भी। सरकार ने कहा, बिल्कुल प्रधान, ये मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली है अधिकारियों की, कहा है कि जो नाकारा अधिकारी है 50 साल से ऊपर, उनको सेवा से बाहर कर देंगे। बिल्कुल, जो अगर अक्षम है, जनता का काम नहीं करना चाहते, तो क्यों उनको सेवा दी जाए राज्य में? और माननीय न्यायालय ने बिल्कुल निर्णय लिया कि सारा पैसा लौटाना पड़ेगा, ब्याज के साथ लौटाना पड़ेगा, और आपको एक्सपोज भी होंगे समाज में कि ये वो आदमी है जिसको पैसा लौटाना पड़ा, और समाज के विमुख व्यक्ति हैं आप, वो आपके चेहरे पर भी धब्बा लगेगा। जी जी बिल्कुल। वेद विलास उनियाल जी आपके पास आऊंगा। वेद विलास उनियाल जी, जिस तरीके से डॉक्टर आज मानव सेवा से भाग रहा है, अगर हम ये कहें कि भाई, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोग भी उनके अपने ही हैं, कोई गैर नहीं है वहां पे, और डॉक्टर तो ऐसा है कि वो, ये कहा जाता रहा है कि अगर दुश्मन भी है और दुश्मन देश का व्यक्ति भी घायल है और डॉक्टर हमारा है तो उसका इलाज करेगा, और ये भावनाएं पहले होती थी। लेकिन अगर हम देखें कि अब इसी चीज के लिए कि भाई आप बॉन्ड भी भर रहे हैं, आप छूट भी ले रहे हैं, और आप उस सेवा करने से पीछे भी भाग रहे हैं जी, कैसे देखते हैं आप? मैं इसको, क्या कारण है ये? मैं इसको वहां देखता हूँ जहाँ इस दुनिया ने डॉक्टर कोटनीस जी को देखा था,
जो विदेश की धरती में भी सैनिकों की सेवा के लिए गए थे। जी बिल्कुल, कई प्रसंग आते हैं डॉक्टरों के जब उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं कहाँ पर हूँ, कैसे भेजा जा रहा हूँ और क्यों भेजा जा रहा हूँ। जी ये देखा कि मैं, कई बार तो ऐसा भी हुआ है विश्व युद्ध की कहानियों में पता लगता है कि शत्रु सेना की भी उन्होंने इलाज किया डॉक्टरों। हाँ, बिल्कुल, वो तो एक मानवता, तो मानवता को सबसे ऊपर रखा जाता था डॉक्टरों। सबसे बड़ी बात क्या है कि इस सेवा को वहां से शुरुआत होती है कि आखिर इसमें पैसा कितना लग रहा है। जी। आप ये देखते हैं कि MBBS की डिग्री में मुझे कितना खर्च करना पड़ा, फिर उसके बाद ये होता है कि मैं कितना अर्जन करूंगा। ये जो गुणा भाग चलता है वो भी इसका बहुत बड़ा कारण है कि आखिर मैं, अगर आप प्राइवेट डॉक्टर हैं तो मैं दूर कर्णप्रयाग या किसी पिथौरागढ़ के किसी इलाके में जाके आखिर कितना कमाऊंगा, मैंने तो इतना खर्च कर लिया। और सरकारी डॉक्टर है तो वो अपने हिसाब से सोचते हैं कि मैं जब सरकार में हूं तो जब सरकारी आदमी को देहरादून में ही रहना है तो मुझे क्यों जाना पड़े। तो सारी चीजें वहां के हमारे अंदर एक फीलिंग नहीं आ रही है कि हमें एक पर्वतीय प्रदेश को बनाया, इतने लोगों ने, इतने 40-48 लोग यहाँ शहीद हुए, बहुत कुर्बानियां इस राज्य की हैं और अपने ढंग से कितने कष्ट इस राज्य ने भोगे हैं हर स्तर पर, तो मैं एक डॉक्टर बन के इस राज्य की कितनी सेवा कर सकता हूँ। आप ये भी तो देखें कि वो डॉक्टर राज्य की सेवा तो करेगा ही, साथ में हमारे उन सैनिक जो परिवार हैं, जी जी, जो बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहा है आदमी और उसका परिवार यहाँ रह रहा है, वो भी तो बहुत बड़ी सेवा अपने आप में होगी। बिल्कुल, तो जब वो ये नहीं सोच पाते हैं, फिर उन्हें वो ये भी नहीं सोच पाते हैं कि अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो फिर दूसरे लोग भी तो यहाँ नहीं रहेंगे, तो फिर धीरे धीरे एक पलायन का स्थिति बनती है। डॉक्टर साहब चले गए, जैसे आपने हेडिंग दी है कि चलिए डॉक्टर साहब, तो ये सचमुच एक बड़ी कातर सी हेडिंग है। इसमें ऐसा लगता है कि वास्तव में हमें कितने दुख से हम कह रहे हैं कि आइए तो सही, ऊपर तो चलिए, वास्तव में स्थिति पूरे पहाड़ में दिख रही है। बिल्कुल, तो वही सब नजारे हैं, वही सब स्थितियां हैं। और ये पढ़े लिखे लोग डॉक्टर्स, पहले समय में कहते थे कि इंजीनियर और डॉक्टर ये दो बन गए, आप IAS और PCS को बहुत ऊपर लेते थे, कहते थे डॉक्टर और इंजीनियर बन गए तो समझिए कि ये बच्चा बहुत लायक हो गया। तो इतना सम्मान इस पैसे को था, तो आज भी वही स्थिति है। आप पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, तो वो जब आप जैसे लोग आप ये करेंगे तो आप उन लोगों से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं जो आपकी तरह मेधावी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। प्रदीप भाई, प्रदीप भाई, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से हमारा पहाड़ है और 2001 से लेके और आज 2019, और हमेशा ये बात सामने आती रही है कि डॉक्टरों की कमियां हैं और कुछ जगह तो ऐसी है कि डॉक्टर्स जाना भी नहीं चाहते वहां पे, तो और होने के बाद भी नहीं जाना चाहते। कुछ ऐसे हैं जो दो दिन की अपनी सर्विस वहां दिखाएंगे और भाग जाएंगे, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। और ये कोई जूनियर लेवल पे नहीं, इसमें सीनियर्स भी जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हमारी सरकारों की भी ये कमियां रही हैं कि आप किसी भी सर्विस को लें, हम डॉक्टर को छोड़ दें, हम शिक्षा क्षेत्र में लें, हम पुलिस क्षेत्र में लें या जो भी नौकरी है, कहीं ना कहीं हमें उत्तराखंड के परिदृश्यों को, उत्तराखंड के भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन जितने भी जॉब में आने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं ये नीति उस टाइम बनानी चाहिए थी कि भाई आप यहाँ जब ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए इतना टाइम पहाड़ पे कंपलसरी है और फिर एक रोटेशन उसी तरीके से सबका होते रहना चाहिए था। इसकी कमियां हमेशा रही हैं और उसी का कारण है कि आज हमारे यहाँ ये स्थितियां हैं। और यहाँ एक ही डिपार्टमेंट की स्थिति नहीं है, ये हर डिपार्टमेंट की स्थिति है। जी प्रदीप जी, देखिए उत्तर प्रदेश के जमाने में, मैं समझता हूँ शायद यूनाइटेड प्रोविंस के टाइम से अगर मैं कहूँ जी, तो पहले कितनी उनकी कल्पना थी कि पौड़ी में कमिश्नरी बनेगी जी, एक कुमाऊं में कमिश्नरी बनेगी जी, वहीं से पूरी मॉनिटरिंग होगी जी, और जिसकी पोस्टिंग जहां हो गई है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे इंजीनियर हो जी, चाहे डॉक्टर हो, वो वहां पे जाता था और उसने पूरी जिम्मेदारी के साथ नौकरी करी जी। राज्य बनने के बाद ये सारी चीजें बिल्कुल उलट हो गई जी। हमारे कमिश्नर साहब इसी रोड पर बैठते हैं, हमारे DIG साहब जो है दून अस्पताल के सामने बैठते हैं, उस कैंप ऑफिस को पूरा हेडक्वार्टर बना दिया गया DIG का या उस कमिश्नरी का, तो सवाल वहां से खड़े शुरू हो जाते हैं हमारे। जब मैंने फिर कहा कि जनप्रतिनिधि, हमारा क्षेत्रीय विधायक को केवल यहाँ पे सत्र के समय पे या किसी नीति नियंत्रक के जो उसके लिए सचिवालय आना चाहिए था जब तक हमारी स्थायी राजधानी का नहीं हो जाता, और अपने क्षेत्र में उसको जनता की सुविधाएं देखनी चाहिए थी, जनता दरबार लगाना चाहिए था। दुर्भाग्य यह है कि आज ब्लॉक प्रमुख भी जो जीत रहा है वो देहरादून और हल्द्वानी में प्लॉट ढूंढ रहा है जी। ये व्यवस्थाएं वहां से शुरू होती हैं।
आज ये देखिए कि क्या कारण है, मुझे वो भी समय याद है। सर भी यही कहते हैं जब आप ही नहीं रहना चाहते, जब सर, आप नीचे भाग आधे से ज्यादा प्रचार प्रसार इसी बात का है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, मायावती रैंडम विजिट करती है उत्तरकाशी, तो पता लगा कि वहां पेपरों में जो है स्कूल बना हुआ है, सब चीजें उन्हें कैसे पता लगा, फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। तो एक दहशत इतनी होती थी कि चीफ इंजीनियर को पैच है वो सिर पैर रख के जाए, लेकिन उन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर का दौरा है वहां पे सब मिलेंगे। आज हमारे सरकार में सरकार इस तरफ सकारात्मक काम कर रही है, मैं उसके लिए स्वागत करता हूं, लेकिन क्या कारण है कि हर अच्छे फैसले या महत्वपूर्ण फैसले हाईकोर्ट से देने पड़ रहे हैं? हाँ, ये कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी और जनप्रतिनिधि और सरकार और उनपे खड़े हो रहे हैं ये जी, तो कहीं ना कहीं इसको सोचना चाहिए। और उससे बड़ी बात, ये जो डॉक्टरों का जो सिस्टम है इसके लिए बिल्कुल हाई लेवल की मॉनिटरिंग बैठनी चाहिए और सीरियसली करके उसको जो है कहीं ना कहीं उसको पनिश करना चाहिए। उसकी डिग्री, मैं कह रहा हूं कि उसको डिग्री दी तब जाए जब उसका पूरा 5 साल का पूरा हो जाए, बकायदा सर्कुलेशन ऐसा हो कि वो IMA में अपना रजिस्ट्रेशन तब करेगा, वो ऑटो सिस्टम हो कि जैसे ही इसके 5 साल होंगे इनकी डिग्री आपके मॉनिटरिंग पे वहां पे सिस्टम में अपडेट हो जाएगी। जी बिल्कुल, किरण जी जिस तरीके से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक ये डर भी रहता है कि यार अगर अभी ये नौकरी पे आया है, और डॉक्टर से वैसे ही हमारे यहाँ काफी चीजों की कमी रहती है, डॉक्टर्स की तो खासकर कमी है, तो कहीं ना कहीं अगर हम ज्यादा कड़े कदम उठाएंगे तो जो डॉक्टर्स हैं शायद वो छोड़ के ना चले जाएं, भाई आखिर वो प्राइवेट प्रैक्टिस करेगा फिर जाके, या कई आज जो और कमियां हैं और आने वाले डॉक्टर्स उसे पूरी ना कर पाए, आए ना यहाँ पे, ऐसे भी कई बहुत सारे कारण सरकारों के सामने रहते हैं। शिक्षाविद भी हूँ तो थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूंगी कि बचपन से जब हम संस्कार नहीं देते किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे आर्मी हो, चाहे शिक्षा, कोई भी क्षेत्र हो, आजकल बहुत सारे क्षेत्र हो गए, तो वो हमारा जो एक मॉरल होता है वो नहीं बन पाता जी। वो एक कमजोरी है और वो रह जाती है, तो हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो जूझ नहीं पाते, और जब जूझ नहीं पाते तो उस मकसद तक नहीं पहुंच पाते। और एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अभी हम बात कर रहे हैं कि डॉक्टर्स की, जब डॉक्टर बनते हैं हम तो शुरुआत से ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, जिनको हम सुविधाएं दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिनको सुविधाएं नहीं दे रहे हैं वो इतनी इतनी फीसें देके डॉक्टर जब बनते हैं तो उनका अंतर आत्मा जो होती है वो नष्ट हो जाए, खत्म हो जाती है, और फिर उसी नजरिए से वो देखने लग जाते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, मैं नाम नहीं याद कर पा रही हूँ, कोई IPS है, वो डॉक्टर भी हैं, तो मैंने देखा कि वो पहाड़ों में वो सेवा भी कर रहे थे और अपने प्रोफेशन में भी थे। और सदानंद दाते ने बिल्कुल सर जी डॉक्टर भी थे और जहाँ रहे हैं वहाँ पे उन्होंने अपनी डॉक्टरी भी बिल्कुल ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कई DM भी हैं, कई छोटे अधिकारी भी जी। तो वो, और दूसरी बात ये भी है कि जो लोग करते हैं उन्हें मोटिवेशन कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ी हमारे कमी है स्टेट में कि जो लोग अच्छा कार्य करते हैं वो सामने नहीं आ पाते, वो चुपचाप करते रहते हैं, लेकिन उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें ऑनर करना चाहिए ताकि वो इंस्पिरेशन मिले। तो आप देखें ना कि ये तो ठीक है, जो फीस देके जा रहा है बड़ी बड़ी और जो कर रहा है उसके लिए तो अलग बात, उसकी तो अभी बात ही नहीं हो रही जी। उसकी मानवता की तो उसकी जो उसका एंगल है उस पर तो हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो जिन्होंने बॉन्ड भरा है और जिनके अंदर फीस उन्होंने माफी ली है, छूट ली है, उसके बाद वो भी जाना नहीं चाह रहे। नहीं सर, उनके लिए मोटिवेशन वर्कशॉप्स लगनी चाहिए, मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन लाइफ, जब मोटिवेशन नहीं होता ये चीजें होती हैं। आजकल हर कैरियर के लिए बच्चों को मोटिवेशन दिया जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट के डॉक्टर बने चाहे वो किसी प्रोफेशन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर हम ऐसे करेंगे तो मैं सोच रही हूँ पॉजिटिविटी लेके चलेंगे तो डॉक्टर जरूर जाएंगे जी, उनको भी नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चारों तरफ नैतिक शिक्षा की धूम मच रही है। हाँ, और सर ट्रांसपेरेंसी की जो मैं बात कर रही हूँ ये बहुत जरूरी है किसी भी क्षेत्र में जी। प्रभाकर जी मैं बात करूं, आप देखिए कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी बोल रहे थे और आप भी बता ही रहे थे कि जो बॉन्ड सर्विस में आने के टाइम पे भरे जाने चाहिए, जब निकले, अगर किसी जॉब की विज्ञप्ति निकल रही है तो उसके अंदर ऐसे बॉन्ड का प्रावधान होना चाहिए कि भाई आपको, आप उत्तराखंड जैसी जगह में आप आ रहे हैं और आप ये सोच के आइए कि आपको पर्वतीय क्षेत्रों में इतना टाइम लगाना पड़ेगा, और मैं कह रहा हूं इतना टाइम नहीं, एक रोटेशन में उनका कार्यकाल होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं, उस डॉक्टरों की बात नहीं, ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं जो आज तक अपनी ज्वाइनिंग से लेकर और अब तक देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में ही घूम रहे हैं, तो डॉक्टरों के ऊपर ही सारी बातें क्यों? तो कहीं ना कहीं सरकार की जो अपनी नीतियां हैं उनमें भी संशोधन की बहुत बड़ी एक आवश्यकता है जी। गोस्वामी जी देखिए, जो IAS हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, अभी
उनियाल जी के जैसे कह रहे थे कि वो आईएएस पीसीएस बड़े माने जाते हैं डॉक्टरों से इंजीनियर से भी जी, जब देहरादून में डीएम है या उधम सिंह नगर में तुरंत आदेश हो जाता है पहाड़ का, वो जाना पड़ता है उनको जी, एकदम आवास भी खाली करना पड़ता है तुरंत, आईएएस को पीसीएस को तुरंत जाना पड़ता है शासन के आदेश पर जी, उनके सामने विकल्प नहीं होता कि वो क्लिनिक खोल सकते हैं जी। असली बात मनोवृत्ति की, आप मोटिवेशन की क्लास भी उनके लगा लेंगे, बहुत सख्त नियम भी बना लेंगे, सारे पैनल प्रोविजन बना लेंगे, मनोवृत्ति, क्योंकि जैसे पहले सवाल उठा कि वो पैसा लगाते हैं पढ़ाई लिखाई में और जल्दी से जल्दी उस पैसा पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं, ये जो प्रवृत्ति है मनोवृत्ति है समाज के प्रति मेरा कोई दायित्व तो नहीं है, मेरा काम तो केवल व्यवसाय करना है, ये जो मेडिकल है ये व्यवसाय हो गया है, सेवा क्षेत्र नहीं रहा हमारे चिंतन में। किरण जी भी कह रही थी ये जो मोटिवेशन है ये सेवा चिंतन में, हमारे चिंतन में धन्वंतरी को भगवान कहा जाता है, आद्य वैद्य धन्वंतरी उनको भगवान, भगवान धन्वंतरी कहा जाता है, वैद्य को वैद्य राज कहा जाता है, राजा से ऊपर की पदवी, इनका मान इतना अधिक और ये सम्मान को मान को खो करके ये पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, सेवा का भाव समाप्त हो गया है, ये प्रोफेशन बन गया है जी। यहां पर दो बातें हैं आवश्यक, एक तो जैसे कुकृति जी ने भी कहा और पैनल प्रोविजन ऐसा होना चाहिए कि डिग्री नहीं मिले जी। आपको ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड बढ़ना चाहिए कि आपको ये कहा ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी डिग्री अमान्य, आप पढ़े लिखे हो लेकिन कोई ना आपको रजिस्ट्रेशन होगा ना आपको कोई लाइसेंस मिलेगा दुकान खोलने का, क्लिनिक खोलने का, ना कहीं और नौकरी कर सकते। बिल्कुल, आप ये भी देखिए कि जब आप बॉन्ड भर रहे थे तो कहीं ना कहीं तो कोई नीति बनी होगी, जब आप बॉन्ड भर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो कोई नीति बनी होगी, लेकिन उस नीति के अगेंस्ट में जाके भी आज आपको दोबारा हाईकोर्ट जाना पड़ा, तो कहीं ना कहीं लैक्स, कहीं ना कहीं कमियां रही है ना जब आप बॉन्ड भरा रहे हैं उनसे। बिल्कुल, मैंने यही कहा कि अगर आईएएस जा सकता है आप क्यों नहीं जा सकते। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी बात है जहां व्यक्ति रह सकता है, जहां लोग रह रहे हैं, कोई आपको, भी रह सकता है। आपको जंगल में तो क्लियर नहीं भेज रहे हैं पोस्टिंग, बिल्कुल। आपकी पोस्टिंग तो वहां कर रहे हैं जहां जनता रह रही है, जहां आबादी है, वो आबादी जहां रह रही है ना वहां पानी होगा, जो कुछ भी सुविधा होगी, खाने पीने की व्यवस्था होगी, और आपको एक पूरा जीवन वहां नहीं काटना कि आपको वहीं रिटायर होना है, आपको तो छोटी सी अवधि बितानी है वहां जी, उसको खुशी खुशी बिताइए, सेवा भाव से बिताइए, अपना कर्तव्य समझ के, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, दुखियों के प्रति, गरीबों के प्रति कर्तव्य समझ के काम करिए। लोग धर्मशाला चलाते हैं, लोग जो चिकित्सालय धर्म के चलाते हैं बहुत, आप भी इसको धर्म समझ करके काम कीजिए, लेकिन ये भावना समाप्त होके स्वार्थ हावी हो गया, और स्वार्थियों के साथ तो जो सलूक होना चाहिए वो सरकार कर रही है, कर रही है, बिल्कुल। आर्था प्रदीप जी, क्योंकि आप अगर हम ये देखें पर्वतीय क्षेत्र की जो संरचना है, जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, वहां पे जैसे बार बार ये बात आ रही थी कि कहीं ना कहीं हमारी कमियां रही हैं, क्योंकि वहां अच्छे जो स्कूल है, शिक्षण संस्थाएं जिनको बोला जाता है, कि उनकी भी कमियां रही हैं, और शायद डॉक्टरों को ऐसा लगता है भाई मैं बच्चे को पढ़ाऊंगा कहां पूरा, बाकी उसके अलावा अगर पढ़ाई की बात छोड़ दें, शिक्षा की, उसके अलावा तो और कोई ऐसा कारण पहाड़ पे नहीं दिखता कि जहां लगे कि और ऐसे कुछ बड़े कारण और हो सकते हैं भाई, वहां पे आपको फल फ्रूट सब्जी हर तरीके की, बिजली पानी सब चीज है, केवल एक अगर हम बात करें शिक्षा की, तो खाली बस उसी की हम कमी मान सकते हैं, तो क्या इतना बड़ा कारण है कि आप पहाड़ पे नहीं जाओगे? नहीं, मैं इसको इसलिए शिक्षा से अभी इसलिए नहीं जोड़ना चाह रहा हूँ, शिक्षा की एक जो है वो तो प्रॉपर व्यवस्था है कि जिस प्रकार से जो कमियां, बहुत सारे डॉक्टर्स यही एक सबसे बड़ा अपना एक वो रखते हैं, डॉक्टर की बात तो मैं मान सकता हूँ कि जिस डॉक्टर के बच्चे इतने बड़े, अभी तो हम क्योंकि ये फौरी जो डॉक्टर तैयार हुए हैं उनके तो बच्चे होने की तो बात ही नहीं है, उन्हें तो खुद अपना छात्रावास सबको जोड़े हम, क्योंकि उसमें सीनियर्स डॉक्टर भी नहीं जाते, आपके यहाँ देखिए बहुत सारे सीनियर्स डॉक्टर नहीं जाते जबकि उस डॉक्टर के आगे सीधे सीधे अगर जो जिलाधिकारी का प्रोविजन है, पीसीएस का प्रोविजन है, पटवारी का जो प्रोविजन है, पटवारी से ज्यादा टफ लाइफ थोड़ी होगी इनकी जो ग्रामीण अंचल में जाना पड़ता है, और पटवारी की तो ये स्थिति होती है पहाड़ों पे कि रात को अगर 12:30 बजे क्योंकि अब कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया है तो 12:30 बजे रात भी पटवारी को जाना पड़ता है कि वहां फला जगह ये मामला हो गया है, तो डॉक्टर को जिम्मेदारी के साथ, लेकिन लूज पोल जो भी आपने भी जो बात कही, मैं बार बार उसी बात पर जोर दे रहा हूं कि ये लूज पोल जो है
ये जब डॉक्टर अपनी डिग्री लेके यहाँ से चले गए तब तो जाकर के अधिकारी यहाँ हाथ पैर लपक रहे हैं जी, वो डॉक्टर पकड़ने में नहीं आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो लैब्स है उसके जो बिल्कुल उसमें कमियां रही हैं बहुत बड़ी। ऑटो सिस्टम जिस दिन ये तैयार कर देंगे जी, सॉफ्टवेयर जिस दिन ये ऐसा तैयार कर देंगे कि भैया आपकी डिग्री जो है ऑटोमेटिक आपके 5 साल 10 तारीख को पूरे हो रहे हैं, 11 तारीख को आईएमए में आपका रजिस्ट्रेशन वो चला जाएगा और डिग्री आपके पास सीधे एसएमएस आपके पास आ जाएगा और आप वहां से अपना यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। लेकिन साथ साथ सरकार और प्रशासन की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर जो मैं अदर गवर्नमेंट सेक्टर के डॉक्टरों को भी मान के चलूं तो हमारी सरकारें क्यों नहीं प्रत्येक जगह बड़े बड़े मुख्यालय खोलने का प्रयास करती है, कुछ संस्थानों का, मैं कह रहा हूं कुछ संस्थानों का, और उस मुख्यालय के साथ साथ क्यों नहीं डिग्री कॉलेज की थोड़ी सी जो है उच्च जो है बढ़ाया जाता है जी। बजाय हम विद्यालयों को सिकोड़ने के, बंद करने के, मैं मानता हूं कि कई जगह परेशानियां पैदा हो रही हैं, लेकिन उसको ही लेंस का साफ करने की जरूरत है, उस लेंस को जो वहां पे जिस तरीके के जो गोलमोल जवाब हो रहा है, क्या हमारे अधिकारी रैंडम विजिट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। जब हमारा शिक्षा सचिव या जो महानिदेशक है वो खुद वातानुकूल कमरे से बाहर नहीं निकलेगा तो कैसे उस कमरे की स्थिति पता लगेगी कि बच्चा कौन सी टपकने वाली छत पर पड़ रहा है या वहां शिक्षक है या नहीं है? ऐसे ऐसे शिक्षक यहाँ पे हुए हैं और मैं बधाई देता हूँ डॉक्टर राकेश कुमार जी को, जब वो शिक्षा सचिव थे उन्होंने जब रैंडम विजिट करवाई उन्होंने ये पता लगा कि इतने बड़ा घोटाला पकड़ा गया कि बच्चे दिखा रखे हैं 100, एक्चुअल बच्चे हैं 25, और वो किस लिए? ताकि 4 टीचर वहां एडजस्ट हो सके, और टीचरों ने भी फिर ठेका दे दिया कि 5,000 रुपए आप पढ़ाओ और जिस दिन कोई बड़ा कोई दौरा होगा तो मुझे बुलाइए। तो ऐसा नहीं है, कई शिक्षक ऐसे हैं जो मिसाल खड़ी कर रहे हैं यहाँ पे, अपना पैसा लगा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो ऐसे डॉक्टर काम कर रहे हैं, वो रात बिरात उन्होंने कहा दरवाजे खुले हैं जी बिल्कुल। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सरकार, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का ये स्वयं विभाग है, उनको सीरियसली अपने एक अच्छे अधिकारी को सिलेक्ट करके इसमें मॉनिटरिंग करवानी चाहिए। बिल्कुल वेद विलास जी, क्योंकि जिस तरीके से अभी बातें हो रही है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब नीति बने तो वो नीति वास्तव में पर्वतीय क्षेत्रों को ध्यान में देखते हुए बने, और अगर कहीं उसमें कुछ चूक हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ी चूक रही है कि आपके जो डॉक्टर्स बने वो चले गए और आपको उसके लिए इतना कड़ा कदम उठाना पड़ा और हाई कोर्ट में आपको जाना पड़ा, लेकिन क्या ये हाई कोर्ट से एक आदेश आ जाना ही उनके लिए एकदम, मतलब आप ये मान रहे हैं कि बस वो आदेश आ गया और अब तो वो पहाड़ पे जाएंगे? भाई उसके लिए और बहुत सारी चीजें हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन वो जिसने मन बनाया है कि मुझे जाना नहीं है तो अभी पहले तो वो हाथ पैर मारेगा, तो ये क्या आदेश ही सर्वोपरि है कि बस अब उनको तो रास्ता साफ हो गया? मुझे तो ये ऐसा ही लगता है जैसे क्रिकेट खिलाड़ियों पे थोड़ा सा जुर्माना हो जाता है जी, तो उस जुर्माने को देखते भी नहीं, उन पे क्या फर्क पड़ता है? तो ऐसे कई डॉक्टर होंगे जो कहेंगे हाँ बॉन्ड ले लो, ये फीस ले लो, हम तो वही करेंगे जो हमें करना है जी। दरअसल सारी जो सिस्टम, जैसे आपने कहा पर्वतीय क्षेत्र का एक राज्य बना था ये जी, तो हमारा जो पूरी संरचना जिस तरह से होनी चाहिए थी वो जब नहीं हुई तो उसके छिद्र हैं, ये जो हम चिकित्सा व्यवस्था का देख रहे हैं ये उसका एक छिद्र है, एक उसका उसका एक बुरा स्वरूप है जी। इसी तरह से हर जगह अलग अलग है। अब आप देखिए, अभी आप अधिकारियों की बात कर रहे थे, मुझे तो लगता है कि राजनीति ही, राजनेता ही कितना लगाव रख रहे हैं अपने पर्वतीय क्षेत्रों से, उनका एक जो टच होना चाहिए था, एक पूरा एक लगाव होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं दूर होता दिख रहा है। ये जो देहरादून ये शब्द जो आया है उत्तराखंड में राज्य बनने के बाद, ये कई चीजों का वो है, कई चीजों को जनक है, गलतियों को जन्म देने वाला जनक है, क्योंकि देहरादून को हमने उत्तराखंड मान लिया और देहरादून के आईने से, देहरादून के चश्मे से हम सारी चीजों को देखते हैं पूरे उत्तराखंड को, और इसलिए हम ये नहीं देख पाते हैं कि वास्तव में हमारी चिकित्सा सेवा कैसी होनी चाहिए, हमारे पहाड़ों में जो पलायन हो रहा है, वहाँ जो सुरक्षा की हमारी स्थितियाँ हैं वो क्या हो रही हैं, हमारी वनस्पति, हमारा जीवन, हमारा पूरा, ये जब तक नहीं होगा दूर तब तक ये समस्याएं बनी रहेंगी और ये चीजें आज उसी में सब बह रहे हैं जी। उन्हाल जी देखिए, मतलब जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने पिछले एक महीने की मैं बात करूं तो धड़ाधड़ बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि सरकार अब फ्रंट फुट पे खेलने की जी, अब हम लोग डिबेट में भी इसीलिए आए हैं ना जी। अगर ये नहीं हो रहा होता तो लोग तो हाथ में हाथ धरे बैठे हैं, क्या करें जी। तो कहीं ना कहीं हम जो इस टेबल पे आए हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें भी, अगर वो हाईकोर्ट गए हैं तो उन्हें भी लगा होगा ना जी जी कि भाई परिस्थितियां अब ऐसी हो चुकी है कि डॉक्टर्स की स्थिति नहीं है और जो डॉक्टर्स हैं वो आने को तैयार नहीं है। पहले तो मुझे लग रहा है कि इनसे वार्तालाप की बहुत बड़ी एक कड़ी चली होगी, बहुत
बहुत बार वार्ताएं आपस में हुई होगी और जब लगा होगा कि भाई अब तो ये कुछ नहीं हो सकता तब हाईकोर्ट का रुख करना पड़ा होगा जी। ये सारी जी जी आखिरी मजबूरियां हैं ये, हाईकोर्ट में जाने का मतलब है सारे विकल्प बंद होना जी, वार्ता के सब बंद होना जी, तो बिल्कुल मैं आपसे आ रहा हूँ किरण जी की, किरण जी किस तरीके से सामाजिक महत्वता जो है समाज के अंदर जो जिम्मेदारियां हैं जो हमारी अपने हम जिस नैतिक शिक्षा की बात कर रहे हैं उसकी बहुत बड़ी कमियां आजकल हर हर विभाग में कहें हर बच्चों के प्रति कहें सब जगह दिख रही है पूरा का पूरा, और उसी के ये कारण है कि आज कोई भी आप देखिए कि बोंड भर देना और फिर ना जाना, तो ये बहुत बड़ा एक धोखाधड़ी हुई पूरी, भाई आपने झूठ बोल रहे हैं तो सीधा सीधा झूठ बोल रहे हैं, तो ये बहुत जो चीजें हो रही हैं इस पे हमें कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर भी सुधार करना होगा, और ये जिम्मेदारी लोगों को शायद जतानी होगी कि भाई आप अपने बच्चे को भेज रहे हैं और आप अगर उससे ऐसा कोई बोंड भरवा रहे हैं तो उसकी जिम्मेवारी बनती है कि भाई ये भी एक मानवता का कार्य है। सर इसमें एक मैं ये भी सोचती हूँ कि काउंसलिंग जरूर होनी चाहिए जब बच्चों का हम चयन करते हैं कि उनको मेडिकल में करने के लिए फैसिलिटी देंगे, फीस देंगे या जो भी हेल्प करेंगे उनकी, उसके साथ साथ थोड़ा सा और मिन्यूटली हमें ये देखना चाहिए कि पहाड़ों में सुविधाओं का क्या कारण है, क्यों नहीं जाना चाह रहे, हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वो ठीक है लेकिन हमें उस मुद्दे पर भी पहुंचना चाहिए, कुछ तो कारण होगा 100 में से 1% कि वहां पे लोग क्यों नहीं जाना चाहते, तो वो देखना पड़ेगा रोड्स हैं कि नहीं है, अगर अब बन रही है तो बहुत अच्छी बात है और बहुत सारी फैसिलिटी, अगर रोड की मैं कह रहा हूँ अगर आप ये बात करें मेन नहीं मैं खाली रोड की नहीं सर मैं तो जनरल बात कर रही हूँ, बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं भाई, आपको अगर एक जो आपकी चीज है भाई आप आज चले गए इस गाँव के अंदर आप क्यों नहीं चले गए कि भाई मैं वहाँ पे पहुंच गया हूँ, जाने के रास्ते भी लोग जा भी रहे हैं और वहाँ पे और सारी चीज है, बिजली है, पानी है, खाने के लिए सामान है, सब कुछ है, कोई ऐसा हाँ शिक्षा के क्षेत्र में जरूर हमें थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है जी जी, तो उन चीजों को भी तो उन्हें सोच नहीं सर, फिर पलायन क्यों हो रहा है सर, फिर इतना इतने सालों से हम सुनते चले आ रहे हैं पलायन क्यों हो रहा है, बिल्कुल क्योंकि उन सुविधाओं को वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, प्लानिंग बहुत हो रही होगी सर, इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है, कहीं ना कहीं ये जो स्वास्थ्य है ये बहुत बड़ा एक इसका कारण है, बिल्कुल सर बिल्कुल, और दूसरी बात ये है हम लोग सब मेटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं जी। ये भी चाहिए वो भी चाहिए ये भी चाहिए, और उसकी वजह से जो हमारे मॉरल वैल्यूज वो खत्म होती जा रही है, अब भी मैं यही कहूंगी दोबारा आपको कि मॉरल वैल्यूज खत्म हो रही हैं, डॉक्टर का प्रोफेशन भगवान का प्रोफेशन है, इसमें आने से पहले हम सबको ये सोचना चाहिए कि हम सेवा के रास्ते पे चल रहे हैं, जब मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो सोचता है मैं ईश्वर के पास आ गया हूँ, और वो सोचता है कि मैं कैसे किसी तरह से धन को एकत्र कर लूं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कर जी अगर हम बात करें सभी विभागों में हम आए तो डॉक्टर क्योंकि एक ऐसा विभाग है कि सीधा टच करता है पब्लिक को और एकदम, और पब्लिक भी ऐसी को जो एकदम बीमार व्यक्ति है वो पहले ही परेशान है, परेशान व्यक्ति को सीधा सीधा उसके साथ अटैचमेंट रहता है, तो इस वजह से चर्चाओं में भी बहुत ज्यादा डॉक्टर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके की सुविधाओं की कमी भी देखी जाती है, अगर हम बात करें हॉस्पिटलों के अंदर ही ऐसे हालात हैं, तो सरकारें अगर आप पर्वतीय क्षेत्र में भाई हम उद्योग नहीं लगा सकते बड़े बड़े, लेकिन अगर हम मेडिकल कॉलेज की स्थापना ही ऐसी जगह करें कि जहां हम उसको एक सेंटर बना सकें और वहां पे वो डॉक्टरों की पोत तैयार करें और उनको बोलें कि भाई आप लोग यहाँ पे आए हैं तो आपको यहाँ पे, एक तो उनको आदत हो जाएगी उस तरीके के माहौल में रहने की, तो वो भी ऐसे बहुत सारे कारण रहे हैं, तो इस पे भी सरकार को कुछ करना चाहिए। देखिए गोस्वामी जी, मैं एक राज्य का नाम ले लूंगा, उस राज्य के राजा ने ये तय किया कि सब सबकी फौज होती है, मुझे भी अपनी फौज रेज करनी चाहिए जी, उन्होंने अपनी पलटन बनाई जी, और पलटन को मार्च कहा कि तुम एक जगह से दूसरे स्थान पर एक थोड़ा सा दूर मार्च करो जी, तो उन्होंने कहा मार्च करने को तैयार है लेकिन पहले हमें पुलिस प्रोटेक्शन दीजिए, भाई मूल सुविधाओं में तो मेडिकल भी शामिल है जी, आप अगर मूल सुविधा पहले देखेंगे, अभी मूल सुविधा जो है शिक्षा और स्वास्थ्य तो मूल सुविधा है जी, आप सुविधा देने को तैयार नहीं, और जो जो वैसे किरण जी कह रहे थे कि वहां पर पहले सुविधा पहुंचनी चाहिए जी, जब आपने बॉन्ड भरा तो सुविधाएं तब छीनी गई है क्या जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो सुविधाएं उसके बाद नहीं छीनी गई, सुविधा उसके बाद कम नहीं हुई, आपको बॉन्ड भरते समय ध्यान देना था कि मैं बॉन्ड भर रहा हूं,
वहां पर यह स्थिति है, मुझे वहां जाना पड़ेगा जी, तो इसका मतलब है बॉन्ड भरते समय ही आपके मन में धोखा था जी, बिल्कुल कि मैं सुविधा तो ले लूंगा, सुविधा तो ले लूंगा, लेकिन मुझे तो धोखा देना है, करना कुछ नहीं है। लेकिन जो लोग बॉन्ड भरवा रहे थे कहीं ना कहीं उनको इन चीजों का पता था। मैं उसी बिंदु पर आ रहा हूं जी, इसके पीछे जो सख्त नियम है वो नियम न होना है। इसराइल में जो प्रधानमंत्री वहां के नेतन्याहू थे वो स्वयं फौज में रहे जी, उनका पुत्र जो है वो फौज में रहा। अमेरिका में भी है कि वहां एंट्री होते ही एक आयु पहुंचते ही सबको फौज में जाना है जी। ये जो है नीति है कि सेवा करनी है, सबसे पहले आप पर राष्ट्र का अधिकार है, सबसे पहले आप पर समाज का अधिकार है जी। इस राष्ट्र और समाज का जो अधिकार है वो क्षीण हो गया, सबसे पहले आपका स्वार्थ सबसे ऊपर है। आपके मन में यह है कि मैं कैसे कैसे अधिक से अधिक कमाऊं। आपका उदाहरण वो नर्सिंग होम है जो लोगों को लूट रहे हैं जी, वो रातों रात लखपति करोड़पति बने जा रहे हैं जी। आपके मन में तो स्वप्न वो है जी, आपके मन में उसकी पीड़ा नहीं दिखा जाती गर्भवती महिला की जी, जो दम तोड़ देती है चिकित्सा के अभाव में, वो नहीं दिख रही आपको। प्रभाकर जी, तो ये जो चीज है ये मनोवृत्ति है। गुरु राम राय स्कूल देहरादून मिड सेंटर में चल रहा है, जब परमिशन दी जाती है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को बोला भी जाना चाहिए ना कि भाई आप भी प्लेन में स्कूल लगाना चाह रहे हैं, आप कॉलेज बना रहे हैं, वो भी आप प्लेन में ही बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पहाड़ों पर चढ़ाना भी तो सरकारों का काम है ना। मैं निश्चित रूप से, देखिए मैं यहाँ पर उदाहरण दूंगा जी, सरस्वती विद्या मंदिर और शिशु मंदिर गांव-गांव में है, दूर दूर तक है जी। वहां के अध्यापकों को बहुत मेहनत, बहुत कम पैसा मिलता है और बहुत अधिक श्रम करना पड़ता है। सारे मेरिट जो बोर्ड के वहीं के होते हैं, शिशु मंदिर विद्या मंदिर के, और वो दूरस्थ क्षेत्रों में उनके मन में, उनके मन में सेवा भाव है, समाज के लिए कुछ करने का भाव उनके मन में जागृत है, इसलिए वो कम वेतन पर भी और अनेकों अनेक वर्षों तक काम करते हैं। यह भाव डॉक्टरों के मन में विकसित होना सरकार का तो कर्तव्य है। सरकार नियम बना सकती है, नियम सख्त बना सकती है, कार्यालय नीति भी बना सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के जो समाज है, अगर जिसकी डॉक्टर की पोस्टिंग पहाड़ में हुई और वहां क्लिनिक खोल के बैठ गया, जनता कहे कि हम इसका बहिष्कार करते हैं, नहीं जाएंगे इसको, ये जनता का अपराधी है जी। पर क्लिनिक की जगह सबसे बड़ी बात हो रही है, इसलिए तो उसका उसके पास ये जो विकल्प है, उसका पास विकल्प छीन लेंगे, जैसे पीसीएस के पास, आईएएस के पास विकल्प नहीं होता, उसको जाना ही है, इसके पास विकल्प है यहाँ रुकने का, ये विकल्प पहले जुगाड़ शब्द रहता है, ये पहले उसको एनपीए भी दे रहे हैं, यहाँ पर एनपीए भी दे रहे हैं सब, वो जो विकल्प छीनना है वो छीनना, विकल्प छीनना आवश्यक है। विकल्प नहीं छीना जाएगा तो ये गड़बड़ी होती रहेगी जी। और ये प्रभाकर जी, ऐसा भी होना चाहिए कि पैरेलल सब अधिकारियों के प्रति भी आपको ये रवैया अपनाना चाहिए कि जो लोग यहाँ जमे बैठे सभी हैं, विभागों के प्रति भी ऊपर का रास्ता दिखाना चाहिए, सभी विभागों के ऊपर भी करके आई है, बिल्कुल सभी विभागों के प्रति और सभी स्तर पर, कमिश्नर के प्रति भी होना चाहिए, शिक्षा विभाग में भी होना चाहिए, जितने भी विभाग जिनकी आवश्यकता जहाँ है वो विभाग वहाँ होना चाहिए। यहाँ मुख्यालय पर भीड़ नहीं बढ़नी चाहिए, हर एक आदमी को यहाँ क्यों आना चाहिए जी, उसको निकटतम बिंदु तक उसके पहुंचना चाहिए। ये हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी यही कहते थे, अंत्योदय का लक्ष्य ये था कि ये हमको उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है, सारी व्यवस्थाएं उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचानी है। ये प्रजा, ये जो है कल्याणकारी राज्य की कल्पना ये है जी। प्रदीप जी आपके पास में आ रहा हूं, प्रदीप जी जिस तरीके से अभी आप बता रहे हैं, प्रभाकर जी भी बता रहे हैं, किरण जी ने बोला, वेद विलास जी भी बता रहे हैं, आप में मेरा एक अलग से थोड़ा सा मानना है, अगर आप सहमत होंगे कि जिस तरीके से लोग, अगर मेडिकल कॉलेज हमें यहाँ पे बनाना है तो कहीं ना कहीं हमारे से ये भी चूक हुई है कि अगर गुरु राम जाय जैसे व्यक्तित्व के लोग और ये देहरादून के अंदर ही अपना कॉलेज उन्होंने बनाया, वो चाहते तो उसको और सरकारें चाहती तो उनको मोटिवेट कर सकती थी, क्योंकि वो तो टोटली जनहित का कार्य करने वाली संस्था है अगर आप देखेंगे, और ऐसे ऐसे और भी सेंटर, और भी लोगों को आप कह सकते थे कि वेलनेस सेंटर जैसे पहाड़ में बने तो उससे बहुत सारी सुविधाएं उनको दी जाए और उनसे बहुत सारी चीजें वहां के आम जन को मिलेगी। गोस्वामी जी, राज्य आंदोलनकारी मंच ने 2004 से लगातार इस बात को उठाता रहा है, आपने बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीनी है।
इसी तरह के जो संस्थान है, हमने ये कहा था कि 2 से 3 हजार फीट की हाइट में आपको स्टैब्लिश कीजिए, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो बीटेक के कॉलेज हो, चाहे पॉलिटेक्निक के कॉलेज हो। आप ये देखिए, गुरुराम राय साहब ने जो पुराने महन जी थे, उन्होंने पूरे सुदूर पहाड़ों में अपने स्कूल खोले हुए हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के सुदूर कोने में खोले हुए हैं। उन्होंने टारगेट था 100 स्कूल खोलने का, जैसे शिशु मंदिर का भी उदाहरण दिया हमारे उनियाल जी ने जी। तो ये बात हकीकत है, लेकिन मैंने कहा ना कि पॉलिसी, अब मैं आपको इसका छोटा उदाहरण देता हूं। हम उस छात्र से सबसे पहली मिस्टेक तो ये है, मैं कहूंगा कि न्यायालय ने 18% बहुत कम रखा, वो आराम से भर के एक तो वो साइड हो जाएंगे। वो भी एक कारण है कि हमारे अधिकारियों ने जो लूज पोल करा। इसमें सबसे बड़ी बात आप देखिए कि जो कैबिनेट मंत्री हमारा होता है, वो अपने विधायिका से, विधानसभा क्षेत्र से ही पूरे प्रदेश में घूमा है क्या? मैं चैलेंज कर रहा हूं, आज कई कैबिनेट मंत्री ऐसे होंगे जिन्हें पूरे प्रदेश के बारे में नहीं ज्ञान होगा, वो पूरे प्रदेश में दौरा नहीं करा होगा उन्होंने, तो हम कैसे अपेक्षा कर ले उस अधिकारी से? और अधिकारी ये सब चीजें नोट कर रहा है, वो खाली पेपर में उनको गोल गोल घुमा के उनको बता रहा है। तो ये सब चीजें जब तक टॉप लेवल से ये शुरू नहीं होगी, और ब्यूरोक्रेसी की जब पकड़ नहीं होगी, तो तब तक ये सब सवाल है। सुभाष कुमार जैसा हमें चीफ सेक्रेटरी चाहिए, जो जो है पूरे सीधे केदारनाथ भी पैदा चले जाए और पिथौरागढ़ भी पैदा चले जाए। वेद विलास जी, अंतिम, आप क्योंकि समय की बाध्यता है और एक मिनट में आपको दूंगा अपना, आपका समय रहेगा, कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने समीक्षाएं शुरू की है विभागों की, तो कहीं ना कहीं उन्हें लैक्स दिख रहे थे, उन्हें ऐसा मुझे लग रहा है, तब जाके ऐसे कठोर निर्णय लिए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में सरकार किस तरीके के निर्णय, इस चाहे वो किसी भी विभाग में, लेकिन स्वास्थ्य क्योंकि प्राथमिकता हर किसी की रहती है, कैसे होने चाहिए आगे? जी, मुझे भी लगता है जिस तरह से माहौल दिखता है, और अब जगह जगह इस चीज की चर्चा मुखर होने लगी है जी। तो आप देखिए, सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि ये कहना गलत है कि डॉक्टर केवल मुंह सुदूर पहाड़ों में की वजह से ही, दिक्कत की वजह से नहीं रह रहे। आप देखिए, श्रीनगर, अल्मोड़ा जैसे शहरों से भी डॉक्टर निकल रहे हैं जी। तो इसका मतलब ये, श्रीनगर में कौन सी कमी है बताइए? श्रीनगर में अच्छे स्कूल हैं, अच्छे वो है, कमी कहीं नहीं है। तो हमारी वो दिक्कत वहां नहीं है कि हमें कमी है, इसलिए हम मानसिकता में है। दिक्कत मानसिकता में है, और कहीं ना कहीं अब जो जिस तरह से चीजें टेबल पे आ रही हैं, और अब लग रहा है कि आगे ये चीज होंगी। जैसे अभी आपने एक बहुत अच्छी बात ये उठाई कि हमारे पहाड़ों तक जाना, जो हमारा आर्थिक विकास है या हमारी नीति है, वो पहाड़ों से शहरों की तरफ आनी चाहिए, न कि शहरों से पहाड़ की तरफ, क्योंकि शहरों से पहाड़ की तरफ कभी नहीं जा सकते हैं, ये यहीं अटका रहेगा। आप देखिए, 18 साल से देहरादून पे ही अटका सब। तो हमें पहाड़ों से, पहाड़ों के फायदे शहरों तक पहुंचे, पहाड़ों की चीजें शहरों तक आए, वो हमें हर चीज में, उद्यम में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर तरफ करना होगा। और देखिए कितना फर्क है, हमें पहाड़ों पे ना वेलनेस सेंटर अगर कोई अपने बनाना चाह रहा है, अगर कॉलेजेस जी, गोस्वामी जी मेडिकल कॉलेज के लिए देनी चाहिए उनको, गोस्वामी जी, कितना फर्क पड़ जाता है अगर एक NIT सुमाड़ी में खुलता है, तो आप सोचिए पूरा कितने इलाके को लाभान्वित कर देगा। लेकिन वही NIT अगर आप मैदान में ले आएंगे, तो पहाड़ जहां का तहां रहेगा जी। बिल्कुल उसी चीज को हम कह रहे हैं, तो वही स्वास्थ्य में भी है। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और हाई कोर्ट का बॉन्डधारी डॉक्टरों के मामले में ताजा आदेश इस बात को स्पष्ट करता है कि कई डॉक्टर मेडिकल की पढ़ाई में रियायत तो ले लेते हैं, लेकिन नौकरी के नाम पर जब पहाड़ों में भेजने की नौबत आती है, तो वे इस बात पर कन्नी काटते हैं। पहाड़ों में स्वास्थ्य सेवाओं में कई दिक्कतें हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की अपेक्षाकृत बेहतर सुविधा आज पहाड़ों में नहीं है, और अक्सर इस चीज की कमी सामने आती रहती है। तो सरकार इस तरीके के, जिस तरीके के निर्णय आज ले रही है, हमें लगता है कि आने वाले समय में जरूर पहाड़ों पर सुधार होगा। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।